चक्रव्यूह विरोधियों का हो या फिर अपनों का, उसे भेद पाना आसान नहीं होता है। सियासी जंग में घोषित विरोधी तो सामने होते हैं, लेकिन यहाँ कब अपने ही पीठ पर वार कर दें कहा नहीं जा सकता है। कई नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, जिनकी पहचान होने के बावजूद कुछ न कर पाना भी सियासी मजबूरी बन जाती है। क्या खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अंदर खाने भी कुछ ऐसा ही चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जहां अरुण यादव के लिए बीजेपी से ज्यादा चुनौती उनकी अपनी पार्टी के नेता बन चुके हैं? तो वो नेता जो कभी टिकट के दावेदार नहीं माने गए, आज अगर दावेदारी से टिकट मांग रहे हैं तो क्या इसे जीत का भरोसा माना जाए या फिर केवल अरुण यादव को रोकने की एक कोशिश? तो फिर पर्दे के पीछे कौन है जिसके इशारे पर चक्रव्यूह की रचना की जा रही है, ताकि अरुण के सामने कई दावेदार पेश कर उनके मजबूत दावेदारी को कमजोर किया जा सके? नमस्कार, सवाल दर सवाल में आपके साथ मैं हूँ राकेश अग्निहोत्री। आज बात अरुण यादव के चौतरफा बने चक्रव्यूह की, जिसने अब तक अरुण का नाम फाइनल होने में रुकावट डाली है। सवाल ये भी, इन सब के पीछे किसकी कौन सी क्या मंशा है, और अरुण यादव पा भी गए टिकट तो क्या कमलनाथ कांग्रेस के वो नेता उन्हें जीत दिलाने में मदद करेंगे जो अब तक उनकी दावेदारी पर ही सवाल उठाते आए हैं? आज सवाल दर सवाल में बहस इसी मुद्दे पर होगी। जिस सीट से जीतकर अरुण यादव कभी केंद्र सरकार में मंत्री बने थे, आज हालात यह है कि उस सीट से टिकट पाने की जद्दोजहद में वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जिस टिकट को अरुण अपना एकाधिकार समझ रहे, उस टिकट के लिए दावेदारों की लाइन लग गई है। क्या ये सब कुछ किसी सियासी अदावत के कारण हो रहा है? क्या अरुण के राजनीतिक करियर को संकट में डालने के लिए कोई सामूहिक प्रयास कर रहा है? और क्या खंडवा का टिकट हासिल कर लेना ही अरुण की बड़ी जीत होगी, या फिर इसके बाद भीतर घाटियों से असली जंग की नई शुरुआत देखने को मिलेगी? देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अरुण यादव का दावा मजबूत नजर आ रहा है। संभावना यही है कि कांग्रेस के टिकट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण ही चुनाव लड़ें, क्योंकि निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा की प्रेशर पॉलिटिक्स की हवा निकलती नजर आ रही है, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए कमलनाथ से टिकट की मांग की थी। सब कुछ ठीक रहा तो गांधी जयंती पर अरुण यादव के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, जिनकी गिनती राहुल गांधी के करीबी लोगों में होती है, कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव को सबसे बड़ी चुनौती भाजपा से, जिसकी मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र में सरकार है। नंद कुमार चौहान, जिनके निधन से ये सीट खाली हुई, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति बड़ा मुद्दा बनेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2007 में खरगोन सीट से उपचुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने अरुण 2009 में खरगोन सीट आरक्षित होने के बाद खंडवा से चुनाव लड़े और जीतकर केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने। इसके बाद 2014 और 2019 में मोदी लहर में अरुण यादव लगातार नंद कुमार सिंह चौहान से चुनाव हार गए थे। हार का ये सिलसिला तब आगे और बढ़ गया जब कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने उन्हें बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतारा। यानी हार की हैट्रिक के बाद अरुण यादव के लिए अब जीत बहुत जरूरी, जो उनके राजनीतिक करियर को एक नई ऊंचाई दे सकती है, तो हार के सदमे से बाहर निकलना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। पिछड़े वर्ग के इस युवा जुझारू नेता को जीत एक बार फिर कमलनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उस कुर्सी तक पहुंचा सकती है, जो कभी 2018 विधानसभा चुनाव से पहले उनके पास से कमलनाथ के पास चली गई थी। खंडवा से लोकसभा में पहुंचने का मतलब कमलनाथ के पुत्र और कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ के बाद संसद में मध्य प्रदेश से दूसरा कांग्रेस का सांसद होना होगा। कमलनाथ और अरुण यादव की पुरानी अनबन को खत्म भी मान लिया जाए तो बदलती कांग्रेस में अरुण यादव की जीत पार्टी के नए समीकरण बना सकती है। तो सवाल यहीं खड़ा होता है कि क्या अरुण यादव चक्रव्यूह में हैं? तो क्या गारंटी कि वो चक्रव्यूह भेद कर एक नया इतिहास ही नहीं लिखेंगे, बल्कि कांग्रेस को एक नई दिशा भी देंगे?
संसदीय क्षेत्र का अपना गणित, जहां उनके वर्चस्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन टिकट के दूसरे दावेदार और कमलनाथ के नजदीकी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की भूमिका भी यहां मायने रखती है, जो अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं। कांग्रेस के कई नेता कमलनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बाहर प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार बने हुए हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या अरुण यादव की जीत कांग्रेस को ताकत देगी, तो वहीं हार पार्टी के कई दूसरे नेताओं के लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ा मौका बनकर सामने आएगी। सवाल यहीं खत्म नहीं होते, अरुण यादव की जीत से कमलनाथ कितने मजबूत होंगे, क्योंकि उपचुनाव की जीत से प्रदेश अध्यक्ष को मिलने वाले फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या यहीं से अरुण यादव की भी एक नई लाइन आगे नहीं बढ़ जाएगी, तो फिर सवाल कमलनाथ के लिए कांग्रेस से ज्यादा अरुण यादव की जीत या हार ज्यादा मायने रखती है। अजय सिंह से अरुण यादव की मजबूत केमिस्ट्री के बावजूद दिग्विजय सिंह के लिए खंडवा लोकसभा उपचुनाव का परिणाम क्या संदेश लेकर आएगा, तो कांग्रेस के युवा चेहरे चाहे फिर वो नेता पुत्र हों या विरासत की राजनीति की महत्वपूर्ण कड़ी, क्या पिछड़े वर्ग के अरुण यादव को रोक पाएंगे। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि गैरों से लड़ने का मादा रखने वाले अरुण यादव अपनों से कैसे निपट पाते हैं, या फिर वो ऐन वक्त पर तालमेल बना ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। अरुण भेजेंगे चक्रव्यूह, जी हाँ, उपचुनाव खासतौर से लोकसभा का जो खंडवा में होने जा रहा है, अरुण यादव की दावेदारी नजरअंदाज नहीं की जा सकती है, बावजूद इसके कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट के सबसे बड़े दावेदार अरुण यादव, क्या टिकट उनका पक्का मान लिया जाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को ज्यादा खतरा अपनों से या फिर विरोधियों से। अरुण यादव के लिए चुनाव में ज्यादा चुनौती, लेकिन कांग्रेस के अंदर वह किसके लिए बन सकते हैं चुनौती। दो लोकसभा एक विधानसभा हार की हैट्रिक बना चुके अरुण के राजनीतिक करियर के लिए खंडवा क्या टर्निंग पॉइंट साबित होगा। जीत के साथ अरुण यादव कमलनाथ के जोड़ीदार बनेंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष के एक नए दावेदार बन सकते हैं। कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी और नेता पुत्रों के लिए अरुण यादव की जीत और हार आखिर क्या मायने रखती है। पिछड़े वर्ग के अरुण यादव भाजपा शिवराज और दूसरे विरोधियों से ज्यादा क्या अपनों के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। टिकट के साथ क्या सियासी चक्रव्यूह में अरुण फंस जाएंगे, तो फिर कैसे बाहर निकलेंगे। तो चक्रव्यूह भेद पाएंगे अरुण यादव, इस चर्चा में हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी और सुशील शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के अंदर कलह कई राज्यों में, केंद्र में अनिश्चितता, नेतृत्व पर सवाल, लेकिन मध्य प्रदेश में सब कुछ शांत, चार उपचुनाव और सारे सूत्र कमलनाथ के पास, ऐसे में कमलनाथ और अरुण यादव की पुरानी अनबन को अगर भुला भी दिया जाए और टिकट क्या अरुण यादव का पक्का मान सकते हैं। देखिए राकेश जी, अरुण यादव अगर आप देखें पिछले दो साल में जो है जिस तरीके का उनके खिलाफ कह लीजिए या उनके राजनीतिक करियर को कहीं ना कहीं खत्म करने की जो सिलसिला चल रहा है उसकी ये अंतिम परीक्षा है। अरुण यादव चुनाव जीते ना जीते ये बाद की बात है, पहले अरुण यादव को कमलनाथ से जीतना है और वो जीतना है टिकट को लेकर, क्योंकि कमलनाथ स्पष्ट कह चुके हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। सर्वे कैसा होता है कमलनाथ का हमें मालूम है, 28 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों का सर्वे भी हमने देखा है और उस सर्वे पर लाखन सिंह यादव जैसे पूर्व मंत्री का सवाल उठाते हुए भी हमने देखा है। तो पहला मोर्चा तो कमल अरुण यादव का जो है वो यही होगा कि वो टिकट हासिल कर ले। टिकट हासिल कर लेते हैं तो फिर बात आएगी कि वो जीतते हैं कि हारते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि देखिए, खंडवा क्योंकि खरगोन से लगा हुआ इलाका है और उनके पिताजी की जो है वो कर्मभूमि भी है। मतलब हार से ज्यादा पहले टिकट। चलिए गणेश पांडे से पूछते हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राहुल गांधी के गुडविल में हैं, लेकिन लोकसभा के दो और विधानसभा वो भी शिवराज के खिलाफ हार की हैट्रिक मना चुके हैं, ऐसे में टिकट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी अरुण यादव को। यहीं से वो चक्रव्यूह फंसते आ रहे, टिकट मिला तो उसके साथ फिर नई चुनौतियां।
देखिए टिकट तो लगभग अरुण यादव का पक्का है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो जीतने की है। जीतने की इसलिए भी है कि कमलनाथ कैंप पूरी तरह से अरुण यादव को परास्त करने में लगा है, क्योंकि रवि जोशी जो सज्जन सिंह वर्मा के कोर ग्रुप के सदस्य हैं, रवि जोशी नहीं चाहते कि अरुण यादव जो है चुनाव जीते। खरगोन से इन दोनों का पुराना दुश्मनी चली, राजनीतिक दुश्मनी चली आ रही है सुभाष यादव के जमाने से, तो वो पूरी टीम लगी हुई है। सज्जन वर्मा हो गए, बाला बच्चन, रवि जोशी, जानकारी को हम पुख्ता और सही और अंतिम मान ले तो टिकट कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन जिस संसदीय क्षेत्र पर उनका दबदबा रहा है वहीं से अब कांग्रेस के अंदर से भी चुनौती है। भाजपा तो सामने है, वो अलग। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस के आंतरिक अंदर खाने से बड़ी चुनौती है उनसे। देखिए दुश्मन से लड़ना है तो जीत का जो है आप रणनीति बना सकते हैं, जब अपनों से लड़ना होगा तो आपको जो है आपकी सारी रणनीति धरी रह जाएगी, क्योंकि एक विभीषण पूरी लंका पर ध्वस्त कर चुका था और यहाँ तो उनके सामने जो है आंतरिक विरोध जो कर रहे हैं रवि जोशी है, सज्जन वर्मा है, बाला बच्चन और विजय लक्ष्मी साधु है। यहाँ टिकट तो कमलनाथ की रजामंदी से ही मिलेगा, अगर टिकट कमलनाथ ही देते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेके, तो वो रवि जोशी हो या फिर सज्जन सिंह वर्मा का विरोध क्या मायने रखता है? आप ये देखिए कि जब अर्जुन सिंह होशंगाबाद से लड़े तो जो अपने रामेश्वर मित्रा उनके साथ साथ कदम पे चले, साथ साथ जो चुनाव प्रचार चले थे, लेकिन नतीजा क्या आया, उन्होंने साथ में रह के ही उनको बत्ती दे दी। ये कांग्रेस की राजनीति हमेशा एक दूसरे की निपटाने की रही, टीका संस्कृति आप जानते होंगे कि एक दूसरे की टांग खींचने की, तो कांग्रेस में टांग खींचने की पुरानी परंपरा है और वो परंपरा टूटेगी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ ये जरूर है कि इस बार बीजेपी में भी अंदर अंतःकलह है कि अर्चना चिटनी वो एक वजह है, लेकिन चक्रव्यूह में विरोधी तो ठीक है समझ में आता कौन है क्या है, अपनों से ज्यादा चुनौती मतलब गैरों से ज्यादा, पराये से ज्यादा, विरोधियों से ज्यादा, अपनों से ज्यादा चुनौती है, यही बात गणेश पांडे जी कह रहे हैं, क्योंकि तीन चुनाव हार चुके हैं इसलिए, या फिर कमलनाथ कांग्रेस की एक नई दिशा पर जिसमें सबकी नजर है इसलिए। देखिए तीन चुनाव हार चुके हैं लेकिन अब कमलनाथ की आखिरी पारी है और अरुण यादव की भी अंतिम पारी है। अरुण यादव अगर जीतते हैं तो ये समझ लीजिए कि प्रदेश के सबसे बड़े कद्दावर नेताओं में से उनके पहचान होगी, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर से ज्यादा चुनौती है। बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि कमलनाथ के लिए जो चुनौती ना खड़ी कर दे इसलिए उनको परास्त करने के लिए भी कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं, सुशील जी से लेते हैं कमेंट। जीत की संभावना बहुत दूर, उस सीट का इतिहास, विरोधियों की रणनीति, सत्ता में रहते बीजेपी, सहानुभूति लहर, बावजूद इसके चक्रव्यूह में हैं अगर अरुण यादव तो कैसे, क्यों माना जाए, ये सुशील थोड़ा हमें समझाइए आप। देखिए राकेश जी, अरुण यादव को अगर टिकट मिल जाता है जैसा गणेश जी बोल रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को, जब किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष का टिकट काट पाना आसान है, वो भी तब जब बुद्धि से कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तब कमलनाथ और राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के मान सम्मान को देखते हुए अरुण यादव ने बुद्धि से चुनाव लड़ा था। अब तो उनका अपना दबदबा वाला क्षेत्र है। देखिए कमलनाथ जी को, फिर कमलनाथ जी को आप नहीं समझ पाए, या मुझे लगता है उनकी राजनीतिक हैसियत और उनकी कांग्रेस में जो है पकड़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं। उनके कारण सिंधिया को पार्टी छोड़नी पड़ी, राहुल गांधी को बैकफुट पर उनके कारण जाना पड़ा। ये लाइन अब तो कोई गुड नहीं है ना कांग्रेस में। मैं यही तो बोल रहा हूँ, अभी अभी कमलनाथ यदि मीडिया के सामने ये बोल सकते हैं कि अरुण यादव टिकट चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुझको अभी तक बताया नहीं, तो आप समझ तो सकते हैं कि कमलनाथ जी का, कमलनाथ ने तो ये भी बोला था कि भोपाल से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति चार महीने पहले टिकट फाइनल कर सकते हैं, वो कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है उससे भी अनजान है, तो कमलनाथ जी की आप ताकत का अंदाजा लगाइए कांग्रेस। ये सब जानते हैं, पहली बात अरुण यादव इस चुनौती में इसको चुनाव नहीं, चुनौती के तौर पे देखिए, मेरे लिए मुझे लगता है टिकट बड़ी चुनौती है, चुनाव लड़ना इसलिए चुनौती नहीं है कि छह दावेदार होंगे और एक को टिकट मिलेगा, तो पांच से आपको अपेक्षा नहीं करनी है कि वो आपके पक्ष में होंगे। ये एक सामान्य सा कैलकुलेशन है। और यदि कोई व्यक्ति हारने के बाद ये बोलता है कि भीतरघात से हारा हूं, तो फिर उसको चुनाव लड़ने का मुझे लगता अधिकार ही नहीं है। सुशील जी ये समझे, कमलनाथ के लिए कांग्रेस की जीत, अरुण यादव की जीत या अरुण यादव की हार ज्यादा फायदे किसमें है, अगर नफा नुकसान सियासी तौर पे देखा जाए इस वक्त?